लाल कपड़े में क्या? ओ भाई साहब, ओ सर जी, कौन सर? अरे हटो साइड में, मैडम उधर से आ रही हैं। तो बापू से तुम्हारा मोबाइल लीजिए आ रहा था। For listening to the song and also aap logon ko that you guys have been so supportive throughout meri journey mein and we are very happy because jitna time humne liya aur wo bolte hain safal hamara jo sabr ka phal tha wo kafi meetha nikla aur logon ko bahut pasand aa raha hai now people can't wait for the video and we also are very excited ke audio ko itna acha response hai gana hamara second day trend kar raha tha phir third day bhi trend kar raha tha aur sirf audio hai jabki video hai bhi nahi तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। आप तो प्राउड फादर ऑफ कोर्स हैं और अब गाना आपने क्यूरेट भी किया है, एक टीम वर्क हो जाता है, यू नो व्हेन यू आर स्पेशली इन्वॉल्वड इन अ सॉन्ग, क्या कहेंगे आप? जी मैं यही कहूँगा कि ये गाने को जब सिलेक्ट किया था काफ़ी समय हो गया उसको करके, दो ढाई तीन साल हो गए लगभग। विभास और हमारे एक फ्रेंड हैं पारस, इनके थ्रू हमने गाना सिलेक्ट किया और इन्होंने उसका म्यूजिक किया और बीच में काफ़ी वक्त गाना नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड ऑल्सो एंड देर आर सम अदर सर्कमस्टांसेस। बट अभी जन्म भी लास्ट ईयर काफ़ी बिजी रही, उसकी मूवी का शूट था, उस प्रमोशन से बहुत सारे, तो हम लोग नहीं ला पाए। हम लोग को दुख यही हो रहा है कि ये इतना अच्छा गाना हम लोग और पहले कर लेते तो और अच्छा रहता, तो अब तक तो और चार पांच गाने आ जाते और आ जाते अगर इतना ही अच्छा रिस्पॉन्स, क्योंकि जाहिर बात है अब उतना रिस्पॉन्स मिला तो और जल्दी दिखा रहे थे, बट अभी जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। कैसा महसूस करें, गाना इतना अच्छा चल रहा है? सबसे ज़्यादा जो लोगों का मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो जो जन्नत के फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। इस बात से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, वो बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं इस गाने को, ऑडियो को। जब एक सिंगिंग के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं तो वो सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। ये परफॉर्मर कितनी अच्छी हैं इसके लिए तो बताने की किसी को ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो अब सिंगिंग की तारीफ हो रही है मुझे इसमें अपनी जीत लगती है कि मैंने बहुत अच्छा गाना बनाया, जन्नत ने उसे इतना अच्छा गाया, भैया का पूरा इनपुट्स था और इट्स अ टीम वर्क एंड सबने मिलकर बहुत अच्छा काम किया, तो आज इतना अच्छा रिस्पांस है कि सब उसे बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहे। अच्छा जन्नत, ऑडियो आया है सिर्फ इतना प्यार मिल रहा है तो वीडियो के लिए काफी वेट किया जा रहा है। मैं स्पेशली कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था कि काफी सवाल उठे थे कि ऑडियो ही आया वीडियो की नहीं आया, उसके लिए काफी डिसअपॉइंट है पीपल। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट द वीडियो, कब तक आएगा वीडियो अगर आप पूरी कोई एक एक करके बताएं तो? सो सबसे पहली बात तो हम यही चाह रहे थे कि पहले हम लोगों का रिस्पांस देखें एंड नाउ दैट वी सी दैट दे आर सो क्यूरियस अबाउट इट कि वीडियो कब आएगा, और क्योंकि गाना ऐसा है और उसका जो मेरा पोस्टर का लुक है वो ऐसा है तो वीडियो क्या होगा, तो अब लोगों के अंदर जो यू नो क्यूरियोसिटी बिल्ड हो गई है कि वो कैसा होगा। आई थिंक वी आर वेरी हैप्पी दैट दैट थिंग हैज़ हैपेंड, नाउ दे आर वेटिंग फॉर दैट वीडियो टू कम आउट।
सो आई थिंक दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और हम यही चाहते थे कि हम देखें पहले लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है, और हमने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है. सो बिल्कुल हम प्लान करेंगे, यही आप लोग बताइए, बताइए कब प्लान करेंगे. मुझे तो आके शूट करनी है, प्लानिंग तो मेजरली ये लोग करते हैं. कि एक्चुअली ऑडियो लाने का मकसद यही था कि पता चले कि हाँ लोगों को जन्नत का, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, एक नए लुक में जन्नत आ रही है, एक नए जॉनर में जन्नत ने गाना गाया है. एक्चुअली उसने कोई सिंगर नहीं है, लेकिन बट 2019 में भी जन्नत एक सॉन्ग आया था, बट एक नए जॉनर का गाना है. तो लोग कितना उसको पसंद करेंगे, सराहेंगे कि नहीं सराहेंगे, जन्नत के इस लुक में जन्नत को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि कभी वो इतने मॉडर्न तरीके से नहीं आई है कि उसके आप हेयर दे, आप उसका पोस्टर देखिए. तो अभी हमें पता चल गया कि हाँ, जो हमें गाना लेकर के आना है उसमें भी जन्नत के लुक के ऊपर हमको इतनी ख्याल रखना है. और बस अगर गाना बहुत अच्छा कर लेगा, फिलहाल अच्छा कर रहा है, तो आपको वीडियो के लिए ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा फॉर श्योर. जन्नत में बात करूँ, काफ़ी लोगों ने, मैं देख रहा था अनुष्का सेन ने भी आपके साथ रील बनाई, शिवांगी जोशी जी ने रील बनाया आपके साथ, आपके दोस्तों के एंड से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड रील्स काफी सारी बन रही है, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है रील्स एंड एवरीथिंग जो बूस्ट अप कर सके व्यूज को, अगर आप कुछ इसके बारे में अगर कहना चाहोगे. जी बिल्कुल, रील्स, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं किसी भी गाने को या किसी भी प्रोजेक्ट को हिट कराने के लिए या लोगों तक पहुंचाने के लिए. बिकॉज हमारे पास फ़ोन सबके हाथ में होता है, और कई बार अगर एक्सप्लोर में किसी को गाना आ जाता है या वो रील वो देख लेते हैं, सो अक्सर लोग जाकर फिर सर्च करते हैं और जाकर पूरा गाना सुनते हैं अगर उनको पसंद आता है. एंड जहाँ तक मेरे दोस्तों की बात है, माई फ्रेंड्स हैव बीन सो सपोर्टिव. शिवांगी ने वीडियो बहुत पहले बनाई, मतलब गाना लॉन्च होने के पहले बनाई थी. अनुष्का ने भी वीडियो बनाई थी उसके पहले, राजीव ने भी बनाई थी, और भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो बनाई है, रोशनी ने वीडियो बनाकर डाली. सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव सच सपोर्टिव फ्रेंड्स जो मुझे हर टाइम हर प्रोजेक्ट में इतना सपोर्ट करते हैं और मेरे लिए खुश होते हैं. सो थैंक यू वेरी मच गाइज, आई लव यू ऑल. एंड जनरल बात करूँ पीपल की, लोगों की मैं बात करूँ, तो वो लोग चाहते हैं कि अगर वीडियो आता है तो जो लुक आपका पोस्टर में वही लुक पे पूरा वीडियो होना चाहिए, तो वही लुक पे होगा वीडियो. एब्सोल्युटली, सिंस हमने वो लुक किया ही हमने इसलिए था ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये कुछ अलग आया है और इसमें जन्नत कुछ हटके लग रही है, अलग लग रही है. हमने जो पहले इसे पैटर्न फॉलो किया था या जैसे मेरे यूजुअली लुक्स रहे हैं, हमें वैसा कुछ करना ही नहीं था. और इसलिए वीडियो को भी इतना डिले होता जा रहा था, बिकॉज हम लोग हर एक छोटी चीज़ पर इतना माइन्यूटली काम कर रहे थे कि सेट ऐसा होना चाहिए, उसका फील ऐसा होना चाहिए, हर लुक ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं, कि हमें लगता था कि भाई अगर अब वीडियो बनाई तो और हमें काफ़ी टाइम चला जाएगा इस पर काम करने के लिए. सो 100% लुक ऐसा ही होगा. जन्नत आप कॉलेज आए हो, कितनी सारी यादें हैं कॉलेज को लेके, इस तरह के यही आपको पता है, मैं कभी भी मैं प्राइवेट स्टूडेंट रही हूँ, तो मैं कभी भी एक्सेप्ट फॉर प्रमोशंस और इवेंट्स, इनके अलावा कभी ऐसा स्टूडेंट कॉलेज नहीं गई हूँ. और मैं डैडी को अभी याद है, यही बोल रही थी डैडी मुझे कॉलेज जाना है, इसको यही था कि मुझे कॉलेज जाना है और प्रमोशन और इवेंट्स के बिना जाना है. मैंने कहा मुझे लेक्चर अटेंड करना है, मुझे वो फील चाहिए कि वो बच्चे कॉलेज में कैसा क्या फील होता है. एक आखिरी सवाल मेरा, इन्होंने अभी बीच में कुछ एक मूवी का जिक्र किया जो आप मूवी पे काम कर रहे हो, कुछ सर ने कहा था स्टार्टिंग में. अच्छा, वो नहीं, वो कुलचे छोले की बात कर रहे थे जो ऑलरेडी रिलीज, हाँ उसकी शूट चल रही थी, वो बोल रहे थे. हाँ, ओके, जी जी, मुझे लगा कोई आने वाली वो ऐसे नहीं निकालेंगे वो गलती से. जब तक एक तक ऑथेंटिक तरीके से सब काम ना हो जाए तब तक बताने का कोई वो नहीं होता. और मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि जन्नत की ये जो एल्बम आई है तो इसके पीछे हमने बहुत समय से कोई म्यूजिक एल्बम नहीं करा, क्योंकि हम जन्नत को अभी मतलब बिल्कुल ही एल्बम से हटाया था, इसलिए कि एक जब नया तरीके से जन्नत की हम एल्बम लेके आए, एक नए लुक में लेके आए, एक नए जॉनर में लेकर के आए, इसलिए हमने काफ़ी वक्त से म्यूज़िक एल्बम भी नहीं करी थी. और इसलिए लेकर के आए कि हाँ, आप जो वेट कर रहे थे कोई एल्बम की, म्यूज़िक एल्बम की, तो उनको एक ऐसा प्रोडक्ट देखने को मिले. थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू. कॉलेज यहीं पे करवा दूं मेरा एडमिशन. साक्षी इसका एडमिशन ऑफ कोर्स हो जाएगा, हो जाएगा ना, करवा दो यार, मैं कभी कॉलेज नहीं गई एज ए स्टूडेंट. आपको कॉलेज की फील में करवा सकते हो. नेक्स्ट वीडियो आउट, वीडियो चलो प्लीज.
दादा।